मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं किसी न्यूज़ के सामने हूँ। ये थक हार के आज 11 महीने हो गए हैं, वो इस टाइम जो है उनके ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं की जा रही। मेरी इमरान खान साहब से गुजारिश है कि हमारी मदद कीजिए। मम्मी को अक्सर कहते हैं कि मैं तुम्हें पता है तुम्हारा मियाँ तो अंधा हो गया है, उसको मुझे आगे सीधा कर दो, नर्स नहीं आ रही मुझे सीधा करने के लिए। बस हमारी इमरान खान साहब से, मोहम्मद बिन सुलेमान से, शाह महमूद कुरैशी साहब से बस यही दरख्वास्त है कि उन्हें घर भेज दे। जितनी उनकी जिंदगी है, जितनी भी है, अल्लाह ने दी है, जो है वो हमारे साथ रहे, हम उनकी खिदमत कर सके, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हमारे लिए गए थे, हमारी वजह से वो गुर्बत की वजह से मुसीबतों में फंस गए। मेरे वालिद साहब सऊदी अरब दमाम खुबर में काम करने के लिए गए थे ताकि वो मेरी शादी कर सकें और घर के हालात जो है वो ठीक कर सकें, और उन्हें वहाँ पे जो ब्रेन ट्यूमर हो गया, उनके 3 दफ़ा ऑपरेशन हो चुके हैं और अभी भी जो ट्यूमर है वो उनके ब्रेन के अंदर है और हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, कि वहाँ पे मेरे वालिद साहब पे झूठी सिम के केस में उन्हें फंसा दिया गया है। किस सिम का केस क्या? उनके अकाउंट में भी कोई झूठी सिम निकाली गई है जो गलत इस्तेमाल की गई है कंपनी वालों ने निकाली, और हमारे पास अब्बू के जो तीसरे ऑपरेशन के बाद उन्होंने 25% चांस कहे थे बचने के लिए, तो उनकी वीडियो भी है हमारे पास जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कंपनी के जो HR हैं अब्दुल्ला, टॉमी, मंसूर, ये सब जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे अकामे के ऊपर सिम निकाल के गलत यूज़ की है। आपके वालिद साहब के अकामे पे सिम निकाली गई है, उसका क्या गलत इस्तेमाल हुआ है? ये नहीं, ये कहते हैं कि वो वहाँ पे जो है सिक्योरिटी होती है वहाँ पे बाहर नहीं निकालते, कभी कहते हैं गलत कॉलों पे इस्तेमाल की गई है, कभी कहते हैं किसी अरबी औरत को कॉल की गई है। सर, आपके वालिद साहब को अरबी आती? नहीं, अरबी भी नहीं आती, वो तो अनपढ़ है ना, वो मैसेज कर सकते हैं, उनको तो ATM भी नहीं चलाना आता, ATM से भी उनका दोस्त जो है वो सैलरी लेकर आता था। वहाँ जो पाकिस्तान का सफारत खाना है वो भी बता, सफारत खाने वाले को 8-9 माह से हमने एप्लीकेशन दी हुई है, और अब जब जाके मैंने फेसबुक पेज पे कुछ पोस्ट की, अम्मी 2-3 दफ़ा यहाँ की एम्बेसी में गई और मैंने बहुत ज़्यादा कॉल की, हर घंटे बाद में उनको मैसेज करती थी, कॉल करती थी, तो इस महीने वो सिर्फ वो कंपनी में गए हैं पता करने और हॉस्पिटल देखने गए हैं। अब जाके अगर यही काम वो 8 महीने पहले कर देते तो वो अभी तक आ जाते और हमारे पास होते। सफारत खाने वालों ने कोई तामुन नहीं किया? अब ये तो अब कर रहे हैं, जब उनको पता है कि ये हम आवाज उठा रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं, अब गए हैं सिर्फ कंपनी गए हैं पता करने। और आपने रابطہ कब किया? हमने रابطہ उनको तकरीबन जो है 9 महीने पहले कर दिया, एप्लीकेशन जो हमने 9 माह पहले की दी हुई है सफारत खाने में। कौन थे वहाँ पर? काजी करीम साहब हैं और लतीफ साहब हैं। काजी करीम साहब क्या कहते हैं? काजी करीम साहब जब मेरे अब्बू ठीक थे पहले ऑपरेशन के बाद चल फिर सकते थे, पहला जो ट्यूमर का ऑपरेशन, हाँ जी ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, तो काजी करीम साहब कहते हैं हम एक बंदे का केस लड़ने नहीं आ सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक बंदे का हम केस लड़ने आए, हमारे पास कोई और भी केस होंगे, फिर हम जब हमारा विजिट आएगा फिर हम देखेंगे। वो नहीं आए, उनके पास नहीं आए, फिर उनको दूसरा ट्यूमर का ऑपरेशन हो गया, फिर भी कोई नहीं आया, तीसरा ऑपरेशन हो गया, अभी भी वो खुबर में मुवासात हॉस्पिटल है, वहाँ पर 347 कमरा नंबर 3rd फ्लोर में वो एडमिट है, अभी भी कोई भी जाके उनकी हालत देख सकते हैं, ना वो देख सकते हैं, ना वो चल सकते हैं, ना वो उठ सकती है, आंखों से नबीना, आंखों से अंधे हो गए उनकी हालत देख के। बहुत मैं ये कहना चाहती हूँ इमरान खान साहब से, उनकी वालदा को भी कैंसर था, आज भी वो दुख करती है कि मेरी वालदा को कैंसर, उन्होंने उन्हीं की वजह से हॉस्पिटल बना दिया। अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि एम्बेसी में जो लोग हैं, अगर उनकी किसी वालिद या वालदा को कैंसर होता तो फिर वो लोग क्या करते? काजी करीम साहब, मैं सिर्फ इतना आपको कहूँगा, आपने अपने नाम के साथ काजी भी रखा है, काजी तो मुनसब को कहते हैं, इंसाफ करने वाले को कहते हैं, आप क्या इंसाफ कर रहे हैं? इंसाफ अगर अल्लाह से डरें काजी करीम साहब, और मैं ये भी बता दूं, अगर उस नीली छतरी वाले ने इंसाफ किया ना काजी करीम साहब, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसाफ किया तो फिर बचेगा कोई भी नहीं। लोगों के साथ सिला रहमी से पेश आया करें काजी करीम साहब, आप पैसे इस चीज़ के लेते हैं, और इनके वालिद साहब जो बाहर से पैसे भेजते हैं ना, जो हमें रेमिटेंस आती है उससे हमारी मुल्क की मीशत चलती है, और बहन के पैगाम दें। 2 हफ्ता पहले से लतीफ साहब से बात हुई है, तो उन्होंने जो है
जो थोड़ा सा मैंने वीडियोस भेजी हैं उनको, जो वहाँ पे मैंने कहा कि ये देखें, मैंने एक पेज पे रिक्वेस्ट किया लोगों से, लोग चले गए हैं हॉस्पिटल देखने के लिए, तो आपकी एम्बेसी से अभी तक कोई नहीं गया। तो फिर आम पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी, मैंने एक पेज के ऊपर रिक्वेस्ट की थी, किसी कोई पेज है पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, वहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट डाली कि एक बंदा बीमार है, हमें इसकी हालत देख के बता दें, क्योंकि एक हफ्ता हो गया था हमारी अब्बू से बात नहीं हो रही थी, हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो एक आम बंदा जाता है मेरे पास, वो वीडियो बना के लिए गए, मैं आपको वो वीडियो भी देती हूँ, शेयर करेंगे वो वीडियो। वो वीडियो में वो उन्होंने भी कहा कि इनकी कोई मदद के लिए नहीं आ रहा, फिर उसके बाद एम्बेसी वाले उनकी हालत देखने के लिए जाते हैं। एम्बेसी उठे की कर दी भाई, ये सऊदी अरेबिया में जो पाकिस्तानी सफारत खाना, आप लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग देयर? तो ऐसा कर दे कि हम उनके पास चले जाए, जो हम उनकी खिदमत कर सके, क्योंकि वो हमें बुलाते हैं, वो कहते हैं हमें अपने, मुझे घर की रोटी खानी है, मुझे हॉस्पिटल का खाना नहीं खाना, वो कहते हैं मुझे यहाँ पे नूडल देते रहते हैं हॉस्पिटल में, उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं खाए थे, वो सादा खाना खाने वाले आदमी थे। ये जी हॉस्पिटल का नाम है मोहम्मद दूसरी हॉस्पिटल MDH, और ये मैं अपने कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि ये दिखाएं कि ये कैंसर को उन्होंने डायग्नोस किया कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है और ऑपरेशन भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ट्यूमर है वो रीअकर हो जाता है, ये देखें जी। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, अगर उन पर कोई ठीक है, अगर उनसे कोई गलती सरजद हुई है तो वो भी ना बताई जाए, अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ, उन पे कसूर है, क्योंकि उनके अकामे के ऊपर सिम जो है वो यूज की गई है, जो वो सिम यूज कर रहे थे वो नहीं, जो उनके अकामे पे सिम निकाली गई है, वो बीमार है, उनको उनके पास कोई और सिम भी नहीं थी, वो कहते हैं कि सिम जो कंपनी वाले हैं वो सिम निकाल लेते हैं और वो अपने किसी लोगों को देते हैं यूज करने के लिए, वो भी जब उनका तीसरा ऑपरेशन हुआ था तो उन्होंने वो वीडियो में बताया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये आपने जरूर न्यूज में देना है कि ये जो है ये सारे कंपनी वाले जिम्मेदार हैं, इन्होंने मेरे इस नाम की सिम जो है वो यूज की है। कंपनी का क्या नाम है? साइनो हाइड्रो कॉर्पोरेशन, खुबर में, खुबर दमाम, दमाम खुबर में है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, पाकिस्तान का जो सफारत खाना है सऊदी अरेबिया में, मैं कहूँगा की अल्लाह की लाठी बड़ी बे आवाज है, बड़ी बे आवाज है अल्लाह की लाठी। हम हुसैन अलैहि सलाम के मानने वाले हैं, हजरत हुसैन अलैहि सलाम को हम सलाम करने वाले हैं, उनका तो मिशन था पूरी इंसानियत की फलाह, ये यजीद का मिशन है कि इंसानियत को बर्बाद कर दो, इंसानियत के मोहसिन को शहीद कर दो, ये यजीद ने काम किया, लेकिन आज यजीद ख़त्म हुआ पर है, यजीद पे लान तान हो रही है। बस ये मैं कहूँगा अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद बिलाल शफीक को, कैमरा मैन जावेद ओबन साहब के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान।